इतने महंगे फोन होने के बावजूद भी हमें 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट नहीं मिल रहा भाई, पैसा बर्बाद। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कंपैरिजन करेंगे Realme 12 Pro Plus स्मार्टफोन को OnePlus 12 R स्मार्टफोन के साथ में, और यहां पर हम सबसे पहले बात करेंगे दोनों स्मार्टफोन्स की डिस्प्ले की। तो आपको बता दूं कि Realme के अंदर हमें 6.7 इंचेस की फुल HD प्लस कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले दी गई है जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है, और वहीं दूसरी तरफ OnePlus के अंदर हमें 6.7 इंचेस की 1.5K वाली LTPO कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले दी गई है जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। यानी कि दोस्तों डिस्प्ले यहां पर भाई कंटेंट वॉचिंग के हिसाब से ना दोनों स्मार्टफोन की एकदम बढ़िया वाली है, क्योंकि दोनों फोन्स के अंदर हमें कर्व्ड AMOLED पैनल मिल रहा है, भी अच्छी बात है, एकदम बढ़िया वाली कंटेंट वॉचिंग आपको करवा देगा। लेकिन स्टिल यार अगर आपको और भी टॉप लेवल वाली कंटेंट वॉचिंग करनी है ना भाई, तब आप यहां पर डेफिनेटली OnePlus की तरफ ही जरूर से जाइए, क्योंकि इस फोन के अंदर हमें 1.5K रेजोल्यूशन वाली भाई बढ़िया डिस्प्ले मिल रही है जो कि काफी अच्छी बात है। और अब बारी आती है भाई बैक कैमरा सेटअप की, तो दोनों फोन्स के बैक में हमें ट्रिपल कैमरा का सेटअप दिया गया है। और सबसे पहले हम बात करेंगे Realme की, तो इस फोन का मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का, जिसमें हमें Sony IMX890 सेंसर मिल रहा है, अल्ट्रा वाइड कैमरा है 8 मेगापिक्सल का, और जो टेलीफोटो कैमरा वो है 64 मेगापिक्सल का। वहीं दूसरी तरफ OnePlus फोन का मेन कैमरा भी है 50 मेगापिक्सल का, उसमें भी हमें Sony IMX890 सेंसर मिल रहा है, अल्ट्रा वाइड कैमरा है 8 मेगापिक्सल का, और जो मैक्रो कैमरा वो है 2 मेगापिक्सल का। और आपको बता दूं दोस्तों दोनों फोन्स का जो मेन कैमरा है ना भाई एकदम बढ़िया डिटेलिंग के साथ में फोटोज को क्लिक कर देगा, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। भाई सबसे पहले आप Realme फोन के कैमरा सैंपल देखिए, इसके मेन कैमरा ने फोटोज को कितने बढ़िया तरीके से क्लिक किया, मुझे इसका मेन कैमरा काफी ज्यादा बढ़िया लगा। लेकिन स्टिल दोस्तों अगर आपको डिटेलिंग और भी ज्यादा चाहिए ना भाई बिल्कुल नेचुरल टोन में, डेफिनेटली भाई OnePlus की तरफ ही जरूर से जाइए, क्योंकि इन्होंने ना इसके मेन कैमरा को और भी बढ़िया तरीके से ऑप्टिमाइज किया गया है जो कि दोस्तों एकदम नेचुरल लेवल वाली फोटोज क्लिक कर देगा। और सही में यार मुझे इसका मेन कैमरा ना सच में बहुत ज्यादा बढ़िया लगा। लेकिन यार जो इसका थर्ड कैमरा है ना भाई 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा थर्ड क्लास कैमरा है, इसलिए अगर आपको टेलीफोटो कैमरा के हिसाब से फोन चाहिए ना भाई डेफिनेटली आप यहां पर भाई Realme की तरफ ही जरूर से जाइए, क्योंकि इस फोन के अंदर हमें 64 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा मिल रहा है जो कि काफी अच्छी बात है। और दोस्तों मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग आप दोनों फोन्स के बैक कैमरा से 4K तक कर सकते हैं, साथ ही वीडियो स्टेबलाइजेशन के लिए यहां पर दोनों स्मार्टफोन्स OIS प्लस EIS टेक्नोलॉजी को भी सपोर्ट करते हैं। फ्रंट कैमरा की अगर हम बात करें तो Realme के फ्रंट में 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया, वहीं दूसरी तरफ OnePlus फोन के फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। देखिए दोस्तों OnePlus का फ्रंट कैमरा बढ़िया सेल्फी फोटोज क्लिक कर देगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन ज्यादा अच्छी डिटेलिंग चाहिए ना भाई, तब आप यहां पर Realme की तरफ ही जरूर से जाइए, क्योंकि फ्रंट कैमरा के मामले में ना Realme वाले बढ़िया काम करते हैं। और दोस्तों मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग आप दोनों फोन्स के फ्रंट कैमरा से भी 1080 पिक्सल तक कर सकते हैं। और ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर हम बात करें तो Realme फोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 14 के साथ में आते हैं जो कि Realme UI 5.0 पर बेस्ड है। वहीं दूसरी तरफ OnePlus फोन भी आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 14 के साथ में आता है जो कि ऑक्सीजन OS 14 पर बेस्ड है। यानी कि दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम के मामले में यहां पर दोनों स्मार्टफोन बढ़िया हैं, क्योंकि दोनों फोन हमें आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 14 के साथ में मिल रहे हैं, भी अच्छी बात है। लेकिन यार अगर हमें UI में से किसी एक को चूज करना हो ना, तो यार नो डाउट जो OnePlus के अंदर हमें ऑक्सीजन OS मिल रहा है ना भाई, एकदम बढ़िया UI है, फोन चलाने में आपको मजा आ जाएगा। लेकिन ये Realme UI की तरह नहीं कि दुनिया जहान के तो आपको ब्लोटवेयर से देखने को मिल जाएंगे, उसका हम कुछ नहीं कर सकते। और चिपसेट की अगर हम बात करें तो Realme के अंदर हमें Snapdragon 7S Gen 2 5G चिपसेट दिया गया जो कि 4 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। वहीं दूसरी तरफ OnePlus के अंदर हमें Snapdragon 8 Gen 2 5G चिपसेट दिया गया जो कि 4 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। देखिए दोस्तों डे टू डे परफॉर्मेंस के मामले में दोनों चिपसेट बढ़िया हैं, लेकिन अगर आपको बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल वाली गेमिंग करनी है ना, बिल्कुल टॉप लेवल गेमिंग करनी है, डेफिनेटली भाई OnePlus की तरफ ही जरूर से जाइए, क्योंकि इस फोन के अंदर हमें Snapdragon 8 Gen 2 फ्लैगशिप प्रोसेसर मिल रहा है जो कि एकदम फ्लैगशिप वाली गेमिंग आपको करवा देगा। और दोस्तों अगर आप इन दोनों फोन्स में से किसी वाले को बाय करना चाहते हैं ना, तो लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से जाकर आप इन्हें बाय कर सकते हैं। बैटरी डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें तो Realme फोन यहां पर 5000mAh की बैटरी के साथ में आता है, वहीं दूसरी तरफ OnePlus फोन यहां पर 5500mAh की बैटरी के साथ में आता है। भाई बड़ी बैटरी चाहिए ना भाई, डेफिनेटली OnePlus की तरफ
तरफ ही जरूर से जाइए। और नेटवर्क कनेक्टिविटी की अगर हम बात करें तो दोनों फोन यहाँ पर ट्रूली 5G कनेक्टिविटी के साथ में आते हैं। 3.5 mm जैक हमें दोनों फोन में किसी में भी नहीं दिया गया। लेकिन दोस्तों स्टीरियो स्पीकर, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक हमें दोनों फोन के अंदर देखने को मिल जाता है। और अब लास्ट में हम बात करते हैं दोनों फोन की प्राइसिंग की। तो आपको बता दूं कि रियलमी फोन के 8+256 GB वेरिएंट के अप्रोक्स प्राइसिंग है 30,000 पे, वहीं दूसरी तरफ वन प्लस फोन के 8+128 GB वेरिएंट की प्राइसिंग है 40,000 पे। और अगर मैं यहां पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूं ना भाई इन दोनों स्मार्टफोन के लिए, तो देखिए दोस्तों अगर आपका बजट है भाई 30,000 रुपए तक का और उसमें अगर आपको टेलीफोटो कैमरा के हिसाब से, फ्रंट कैमरा के हिसाब से ओवरऑल बढ़िया फोन चाहिए भाई, डेफिनेटली रियलमी की तरफ ही जरूर से जाइए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ दोस्तों अगर आपको वन प्लस की ब्रांड वैल्यू के हिसाब से ओवरऑल एकदम बढ़िया स्मार्टफोन चाहिए ना भाई, बढ़िया वाली गेमिंग के हिसाब से भी, तब आप यहां पर डेफिनेटली वन प्लस 12R की तरफ ही जरूर से जाइए। तो बस दोस्तों यही थे मेरे कुछ ओनेस्ट ओपिनियंस इन दोनों स्मार्टफोन्स के लिए।